नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कटहल की एक और रेसिपी लेकर के हाजिर हूँ। तो इस तरह का सॉफ्ट कटहल से मैं बनाऊंगी यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट कटहल का कबाब, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके लिए इस तरह का सॉफ्ट वाला कटहल लेंगे जिसमें बीज नहीं हो। यहाँ देख सकते हैं आप, है ना, इस तरह का। और इसको साफ़ करने का डिटेल मैं पहले वाले दो और रेसिपी में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे अच्छे से धो के साफ़ करके और दो सीटी लगा के कुकर में अच्छे से बॉईल कर ली हूँ। यहाँ पे ये देखिए सॉफ्ट हो गया है, ठंडा हो गया है। मैं इसको हाथों से मैश करूँगी, मिक्स करूँगी, और उसमें डालूँगी ये प्याज, हरी मिर्च और धनिया बस। और एक और इसमें मिक्स करूँगी, मैं आगे दिखाऊँगी, पहले इसको मिक्स करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हाथों से दबा के आप कर सकते हैं, ठंडा है तो, गर्म है तो आप मैशर से भी मिक्स कर सकते हैं इसको, मैश करने वाला जो होता है उससे। फिर इस तरह से दबा के अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैं बॉईल करके थोड़ा सा इसमें डालूँगी, यह है हरा ताज़ा मटर, इसको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी, थोड़ा सॉफ्ट बना लूँगी, उसके बाद इसमें मिक्स कर दूँगी। आप चाहे तो कच्चा भी मिक्स कर सकते हैं इसको, ऐसे कूट कूट के या दबा के। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा बॉईल कर दी इसको नमक डाल के, और उसके बाद इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और वो जो उधर कट करके रखी हूँ मैं चॉपर में, महीन चॉप करके रखी हूँ प्याज, हरी मिर्च और धनिया को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके ले ली हूँ मैं। तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप ये जो है मटर और प्याज, धनिया, मिर्ची, ये सब मिक्स कर सकते हैं। आगे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह इसमें मिक्स करूँगी, आप चाहे तो काट के भी इसमें डाल सकते हैं, आपके ऊपर है इसको कैसे स्वादिष्ट और बनाना है। मैं इस तरीके से बनाई हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये और झटपट से बन जाता है, ज़्यादा झंझट नहीं है। और इसमें मैं यहाँ पे एक कटोरी डाल दी हूँ बेसन और एक कटोरी यहाँ पे चावल का आटा, बस इतना ही दो चीज़ इसमें मिक्स करके मैं बनाऊँगी। आप चाहे तो केवल चावल का आटा भी मिक्स करके इसको बना सकते हैं। और ये देखिए इसमें मैं डाल दी यहाँ पर यही पेस्ट जो है पीस के जो मैं रखी हूँ, अदरक लहसुन धनिया और जीरा, बस इतना डाल के मैं पेस्ट बना के रखती हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल के वो मैं इसमें एक चम्मच डाल दी भर के। और यहाँ पे बेसिक मसाला वही हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया और थोड़ा सा सब्जी मसाला या गरम मसाला आप जो डालना चाहे, और एक चम्मच आमचूर पाउडर भी मैं इसमें मिक्स कर दी हूँ, और स्वाद के हिसाब से नमक, बस इतना ही है। और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी हाथों से मिक्स करते हुए। और यहाँ पे तावा जो है गैस ऑन कर दी हूँ मैं, गरम हो रहा है, मैं इसी तावा में बनाऊँगी। आप चाहे तो पैन में भी बना सकते हैं इसको, डीप फ्राई चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल के डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलो फ्राई करके बनाऊँगी टिक्की की तरह, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और दो तरीके का टिक्की मैं यहाँ पर बनाऊँगी, जो वीडियो में आपको लास्ट तक दिखेगा, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और ज़रूर देखिएगा किस तरह का बनता है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और झटपट झटपट बन जाता है। खूब सारे मेहमान हैं तो उनको शाम का नाश्ता वगैरह आप ये इस तरह से बना करके देंगे, बहुत टेस्टी। और यहाँ देखिए थोड़ा सा ज़्यादा तेल इसमें डालेंगे, जैसे कि इसमें जो है ना वो सेलो फ्राई करना है इसको, तो इस तरह से गोल गोल टिक्की की तरह हाथों से दबा लेंगे और बस बीच में डाल दिए। और तब तक साइड में डालेंगे, बीच वाला थोड़ा होगा उसको साइड करते जाएंगे। तो इस तरह से कम तेल में आप इसको बना सकते हैं। तो ये बन रहा है, इसी तरह से सब डाल देंगे इसमें, एक एक करके सारा डालते जाएंगे, बीच वाला को साइड करते जाएंगे, थोड़ा देर पक जाएगा उसके बाद उसको साइड कर देंगे और दूसरा डाल देंगे। तो ये कम तेल में ही बनाने का अच्छा तरीका है, आप इस तरह से बना सकते हैं यदि तेल वगैरह कम चाहते हैं तो। और ज़्यादा तेल में आप खा सकते हैं तो उसको फुल ज़्यादा थोड़ा तेल डाल के अच्छा फ्राई भी कर सकते हैं। तो कैसी लग रही है रेसिपी ज़रूर बताइएगा, बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर एक बार बनाइएगा। इस कटहल की मैं और भी कई रेसिपी शेयर की हूँ, दो रेसिपी और होगा तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, उसको भी बहुत टेस्टी बना है वो भी। और इस टाइम जब छोटा कटहल रहता है ना, उसी टाइम का मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ अभी, जब उसमें बीज नहीं होता है। तो आपके आसपास यदि कटहल मिल रहा है तो इस टाइम जो है बीज उसमें नहीं हुआ होगा, उसी टाइम इसका बना के देखिएगा, खा के बहुत टेस्टी बनता है। और इसको कबाब बोलते हैं, तो आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। इस तरह का कबाब जो है ना, ये देखिए
बीच में मैं पलटते गई आराम से और सारा ये बन जाता है झटपट। अब बहुत जो है ना मेहमान वगैरह आए हुए हैं उस टाइम भी आप इसको बना करके उनको खिला सकते हैं। टेस्टी वाला स्नैक्स ये इवनिंग के लिए बहुत टेस्टी है। और इसको सॉस या चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। धनिया वगैरह का चटनी आप उसको बना के रखें तो उसके साथ आप इंजॉय कीजिएगा। मैं यहाँ पे आगे सॉस के साथ इसको दिखाऊंगी। यह देखिए प्लेट में सॉस ले आई मैं, उसमें ये निकाल के दिखा रही हूँ और थोड़ा दबा दबा के भी मैं थोड़ा बनाई हूँ इसमें, वो भी आप देख लीजिए, आगे भी दिखाऊंगी। थोड़ा कम और तेल इसको कम करना है तो उसमें कम तेल डाल के और अच्छे से प्रेस कर रही हूँ मैं। यहाँ देखिए ये ऐसे दबा के इस तरह से प्रेस कर करके दबा दबा के ऐसे भी, और इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है इस तरह से आप देखिएगा बना के। तो दोनों तरीका है यहाँ पे, आप गोल गोल थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल के उसको इसमें फ्राई करते जाइए सेलो फ्राई, या कम तेल डाल के इसको अच्छे से दबा दीजिए ऐसे, ये देखिए। तो ये भी एक तरीका है, दोनों तरीका से है ना टेस्टी, बहुत टेस्टी बनता है। आगे मैं प्लेट दिखाऊंगी, टेबल पर भी टेस्ट करवाऊंगी, तो ज़रूर इसको टेस्ट कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। बने रहिएगा मेरे चैनल पर। यदि मेरे चैनल पर आप यदि नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। कोई भी वीडियो मेरा फुल वॉच करके एक उसके बाद ही फ्रेंड बनाइएगा, ताकि लॉन्ग टाइम तक हम फ्रेंड बने रह सके। और ये देखिए, और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि अपडेट मिलते रहे। और यहाँ लीजिए ये टेस्ट कीजिए, बहुत टेस्टी बना है और बिल्कुल गरम गरम है सॉस के साथ, आप इंजॉय कर सकते हैं अभी। तो इस तरह की और भी नई नई रेसिपी लेकर के मैं आती रहूँगी, ज़रूर बने रहिएगा मेरे चैनल पर, सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं और नई रेसिपी के साथ।